अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। अच्छा दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ड्रॉप का नाम है सिकिलेक्स ड्रॉप, जो कि हाई नोन कंपनी का प्रोडक्ट है। ये जो ड्रॉप है ना, आमतौर पर कब्ज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कब्ज़ का यह मुकम्मल इलाज है। इसके इस्तेमाल करने से हर किस्म की कब्ज़ आपकी ठीक हो जाती है। ये जो ड्रॉप है ना, ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसकी डोजेज फॉर्म बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग होती है। इसके अलावा आप बच्चे और बड़ों को दोनों को ये ड्रॉप इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, इस ड्रॉप में जो है ना सोडियम पाइकोसल्फेट मौजूद होता है, जो कि कब्ज़ को ठीक करता है। इसके साथ साथ अगर आपके मैदे में आपको हार्ट बर्न है, आपको इनडाइजेशन का मसला है, तो इसके इस्तेमाल करने से कब्ज़ के साथ साथ हार्ट बर्न और इनडाइजेशन ये चीज़ें तमाम किस्म की ठीक हो जाती हैं। यानी आपका मैदा जो है ना प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है और आपको जो है ना डाइजेशन में कुछ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अगर हमें कब्ज़ है तो कब्ज़ की कोई ना कोई वजूहात होती है, तो कब्ज़ की वजूहात ये होती हैं कि अगर आपकी खाने की टाइमिंग प्रॉपर ना हो, यानी अगर आप एक टाइम टेबल से खाना नहीं खाते, कभी किस टाइम खा लें कभी किस टाइम खा लें, तो इस वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में लैक्टोज की कमी है, यानी अगर आप दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ वगैरह हो सकती है। इस ड्रॉप के इस्तेमाल करने से आपकी कब्ज़ का मसला भी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अगर हार्ट बर्न या इनडाइजेशन वगैरह है, तो इसके इस्तेमाल करने से वो भी तमाम मसाइल हल हो जाते हैं आपके। और ये जो ड्रॉप है ना, बच्चों को आपने 5 से 10 कतरे पानी में या दूध में उनको दे सकते हैं, जैसा आपको पॉसिबल लगे डेली इस्तेमाल कराने। इसके अलावा बड़े जो है ना 20 से 25 कतरे डेली आप जूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में भी इसको डाल के पी सकते हैं, इसके अलावा दूध में पी सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको दूध में इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दूध में जो है ना लैक्टोज होता है, तो उसकी वजह से जो है ना कब्ज़ के मसले हल हो जाते हैं। लैक्टोज की कमी की वजह से ही भी हमें कब्ज़ हो सकती है, तो दूध के साथ अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कब्ज़ जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डेली बेसिस पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें, उसके बाद आपको जब भी मसला हो तो आप इस ड्रॉप को इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर मालूमात इस ड्रॉप के बारे में पता चल गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसके साथ साथ लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। ऐसे करने से आपको कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ऐसे करने से हमारी तमाम लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँचती रहती हैं। शुक्रिया।